अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुलरहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों, तलबा व तालिबात के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक नई कोरोना की किस्म भी आई है जिसका हम जायज़ा ले रहे हैं। ओवरऑल इन्फेक्शन का भी जायज़ा ले रहे हैं और आखिरी फैसला जो है वो तो हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइस पे होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये सेहत का मसला है और हम बच्चों की सेहत के साथ कोई चांस नहीं ले सकते। तो इसलिए ये मैं नहीं कहूँगा कि 11 तारीख को खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, लेकिन 4 तारीख को हम पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री से एडवाइस लेके वो चलेंगे और नई जो कोरोना की जो एक आई है बीमारी की नई जो तरवी हुई है उसको भी चेक करेंगे, उसको भी देखेंगे और अपनी राय ज़रूर दें। जो 4 जनवरी की मीटिंग है तमाम वज़ीरे तालीम की, उसके अंदर आपकी क्या राय है कि तालीम इदारे बंद करने चाहिए, स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ मज़ीद 11 जनवरी के बाद भी बंद रहने चाहिए या 11 जनवरी के बाद खुल जाने चाहिए स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, और आपकी क्या राय है, कोरोना की सिचुएशन क्या है, तो आप इसके ऊपर अपनी राय भी ज़रूर दें ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या सोचते हैं। वफाकी वज़ीरे तालीम और उनकी जो मीटिंग है वो तो डिसाइड करेंगे, लेकिन आपकी राय भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर देंगे। तालीम इदारे 11 जनवरी के बाद खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, आप अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, मज़ीद तफसीलात इसके हवाले से आती हैं तो वो आपको सबसे पहले पता चल जाएंगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए, एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट लाजमी करें, हम आपको आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।